गाइज यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखने वाले इम्पल्स वेव के कैरेक्टर। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा वो जाके पार्ट वन पहले देखे देन पार्ट टू पर आए। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों इलेट वेव थ्योरी में आज बारी है पार्ट टू की। पार्ट वन में हमने आपको पूरा बेसिक बताया था इलेट वेव थ्योरी के बारे में, और इसमें थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। और ये दोस्तों जो पार्ट टू का, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ये लास्ट बेसिक है। इसके बाद जो भी पार्ट आएंगे वो बहुत ज्यादा एडवांस आने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इन दोनों पार्ट को मिस ना करना, क्योंकि जो पूरी जो बेस बैठेगा वो इन दोनों पार्ट से ही बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप बिल्कुल एडवांस वीडियोज देखने वाले पार्ट थ्री से। ये जो आज हमारा बिल्कुल लास्ट है, पार्ट टू बिल्कुल बेसिक लास्ट है। तो दोस्तों हमने आपको कल बताया था कि भाई जो हमारी वेव थ्योरी है होती है वो इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव के फॉर्मेशन में चलती है। टोटल पांच वेव पूरी मिलके बनाती है पूरी एक इम्पल्स को। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई भी ट्रेंड होगा, मान लीजिए हमारा कोई भी अगर पुख्ता ट्रेंड या ट्रेंड बोल लीजिए, मोमेंटम बोल लीजिए, हम उसको एज एक ही मोमेंट काउंट करते हैं। बट वो क्या होता है कि वो भी पांच के फॉर्मेशन में ही चलता है। जैसे कि आप इस हाँ एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, ये ठीक है, ये वाला ये है वेव फाइव तक, 0.5 तक ये हमारा क्या पूरा एक मूवमेंट है। मतलब मार्केट हमारा जीरो से लेके पांच तक गया, बट वो कितने वेव्स के फॉर्मेशन में गया, पांच के फॉर्मेशन में। कैसे? इम्पल्स हुआ, फिर करेक्ट हुआ, फिर इम्पल्सिव वेव आई, फिर करेक्टिव वेव आई, और फिर इम्पल्सिव वेव आई। पांच हमारा लास्ट होता है, उसके बाद मार्केट को करेक्शन देना होता है। ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना कि ये लॉन्ग टर्म व्यू है। दोस्तों जो लोग इंट्राडे भी कर रहे हैं उनके लिए भी मार्केट काम वैसे ही करेगा, बट टाइम फ्रेम छोटा हो जाएगा, प्रॉफिट छोटे हो जाएंगे, टारगेट छोटे हो जाएंगे, स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे। बाकी चार्ट तो हमारा वो ये चार्ट अलग थोड़ा ना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपकी सिंपलिसिटी के लिए क्या किया था, कल भी मैंने आपको वेव जो हमारा वेव फाइव तक ही आपको बताया था। ठीक है, इसके मैं आगे नहीं बताया था आपको कि भाई इसके आगे भी जो हमारा मार्केट थोड़ा करेक्टिव फॉर्मेशन भी दिखाता, तो मैं उसको अभी के लिए मैं अभी नहीं बता रहा आपको, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये समझिए पहले यहां से। आप ये समझिए दोस्तों कि जो यहां से जीरो पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुआ था और वेव फाइव तक गया, मैंने आपको बताया ये हमारे लिए एक मूवमेंट है, बट मार्केट ने पांच वेव्स के फॉर्मेशन में पूरा एक मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसको टेक्निकली बोलें तो ये हमारा पूरा भी एक इम्पल्सिव वेव भी हम इसको बोल सकते हैं, बट पांच के फॉर्मेशन में हुआ है। तो दोस्तों मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो इम्पल्सिव वेव है और करेक्टिव वेव है, इसके अंदर भी वेव्स बनती है। मतलब अगर आप यहां पर केवल इस वेव को उठाएंगे जीरो से वन वाली को, तो आपको यहां पर एक लाइन दिख रही होगी। ठीक है, बट इस वेव के अंदर भी वेव्स बनेंगी। अब कैसे बनेंगी? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अगर हम इसको काउंट करें तो ये जो हमारी पूरी ये एक पूरी एक वेव मान लेते हैं इसको, और यहां से और इस पॉइंट से इसको दूसरी वेव मान लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वेव को हम क्या बोलेंगे, जीरो से फाइव वाली को आप मान लीजिए एक है, तो इसको बोलेंगे हम इम्पल्सिव। ठीक है, और पांच से जो करेक्शन आ रहा है ए बी सी में, इसको बोलेंगे हम करेक्टिव। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आप समझने वाली बात है, मैंने आपको बताया कि वेव के अंदर भी वेव्स होती है। मतलब जैसे अगर हम इस वेव को वेव वन को तोड़ दें, इसको हम यहाँ इस वेव से अलग कर दें, तो इसमें भी पांच वेव बनेंगी। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर आप, मैं आपको दिखाऊं कि जो भी हमारी एक पूरा जो वेव सीरीज चलती है वो किस तरह चलती है, ऐसे, उसके बाद फिर वो करेक्शन देगी कुछ लेवल तक, फिर एक करेक्शन देगी, फिर एक करेक्शन देगी, और फिर एक यहां पर करेक्शन देगी। ठीक है, तो ये पूरी एक वेव हमारी बन गई। बट दोस्तों जो जीरो से वन वाली है ये हो गई हमारी इम्पल्सिव, और वन से टू वाली हो गई ये हो गई दोस्तों हमारी करेक्टिव। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, इस वेव के अंदर भी आपको पांच वेव मिलने वाली है। इम्पल्स वेव के अंदर हमेशा पांच वेव होती है। क्या, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर ये मार्केट हमारा यहाँ पे हमारा एक पूरी एक बनी, अब हम जीरो से वन की इम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, कितने कैसे ये गया होगा मार्केट, ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट क्या है सीधा ये ऐसे चला गया, ऐसा तो गया नहीं होगा। आपको क्या है जीरो से वन इम्पल्स में सीधा थोड़े ना गया, इसमें भी वेव्स बनी होंगी ना। तो हमेशा इम्पल्स वेव में पांच वेव होती है। कैसी बनेंगी वो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ इस टाइप से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आप गौर करिए कि
इस वेव के अंदर भी, जीरो से वन हमारी एक इंपल्स है, इसके अंदर भी आपको पांच वेव के फॉर्मेशन आपको दिखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको क्या मिलेगा, पांच वेव्स में ही मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे हमारा फुल जो मूवमेंट हो रहा था जीरो से लेके पांच तक, इसमें भी पांच वेव बन रही थी, तो ऐसे ही इसमें भी एक मूव में, इंपल्स के एक मूव में भी आपको पांच वेव्स देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों बात आती है करेक्टिव नेचर की। दोस्तों करेक्टिव नेचर कौन सा वेव का हमारा, ये वेव टू वेव फोर, ये हो गया हमारा करेक्टिव नेचर। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, इंपल्स वेव में पांच वेव बनती हैं और करेक्टिव वेव में कितनी वेव बनती है दोस्तों, करेक्टिव वेव में बनेगी हमेशा तीन वेव। इलियट करेक्शन वेव में कैसी बनेगी, ऐसे जीरो, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, ये हमारा हो गया करेक्टिव वेव। मतलब इंपल्स में हमारी पांच वेव बनेगी और करेक्टिव में बनेगी हमारी तीन वेव। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये मान लो हमारा इलियट वेव है, हमने इंपल्स में पांच वेव बना दी, अब मार्केट को रिट्रेस होना है, तो रिट्रेस होगा वो तीन के फॉर्मेशन में, कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट हमारा इंपल्स दे रहा है पांच के फॉर्म में और करेक्ट होगा हमेशा तीन के फॉर्मेशन, जीरो ए बी सी। तो इसको हम पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो आगे आपको समझ में। अब वेव थ्री स्टार्ट होगी, वेव थ्री भी ऐसे ही स्टार्ट होगी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, अब यहां पर करेक्ट कैसे होनी चाहिए दोस्तों, करेक्ट भी तीन के फॉर्मेशन में होनी चाहिए, सिंपल है, एक दो, ठीक है। और फिर इंपल्स आएगा दोस्तों मार्केट में, इंपल्स फिर कैसे होना चाहिए दोस्तों, पांच के फॉर्मेशन। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई कि इंपल्स में आएगा पांच का फॉर्मेशन और करेक्ट में आएगा तीन का फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अगर देखो आप इंट्राडे भी करोगे तो भी यहाँ पर आप स्विंग्स पकड़ के ट्रेड कर सकते हो, आप पोजिशनल करोगे तो आपको बाइंग करनी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा मेरे हिसाब से कि भाई यहाँ पे मार्केट में क्या है, मार्केट में इंपल्स में पांच का वेव का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट में तीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम आपको यहां पर करेक्टिव नेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम पहले इंपल्स को ही आपको डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी आपको इंपल्स और करेक्टिव के फॉर्मेशन आपको यहां भी दिखाने लग जाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको आ जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी जो इंपल्स है वेव वन वेव थ्री और वेव फाइव को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, जब ये हम मैं आपको सिखा दूंगा तब हम करेक्टिव नेचर को यहां पर आपसे शेयर करेंगे। और जो ये वाला पार्ट है पांच के बाद वाला ए बी सी वाला, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप बस इतना ही ध्यान दीजिए, अब हम यहां पर सीखने वाले हैं इंपल्सिव वेव को। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी चार्ट हो, मैंने यहां पर मैं आपको बना के दिखा दूंगा ड्रॉइंग, तो आपको इजिली समझ में आ रहा होगा, बट जब आप रियलिटी में जाओगे, चार्ट पे जाओगे, तब पिक्चर कुछ अलग हो जाती है। बट आपको ये तो पता चल ही गया है कि भाई मार्केट अगर यहां से वेव थ्री स्टार्ट हो रही होगी तो ये पांच के फॉर्मेशन में जाएगी, तो अगर आप एंट्री लेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भाई पांच के फॉर्मेशन में मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपकी आगे उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अभी हम डिटेल में सीखेंगे वेव वन को, वेव वन इंपल्सिव को, फिर थ्री को और फिर फाइव को। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं सीख रहे, अभी हम इंपल्स को सीखते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जो हमारा इलियट वेव स्टार्ट होता है, तो देखो मार्केट में साइकिल क्या है, मार्केट में साइकिल क्या होगी, पहले आपको एक इंपल्स मिलेगा पांच तक, फिर मार्केट में करेक्शन आएगा और फिर इंपल्स स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला जीरो से पांच वाला, फिर कहानी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करूं, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, करेक्शन हुआ होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने करेक्शन दिया और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये कहानी है, यही चलता रहता है, यही होता है मार्केट में। ठीक है ना, बट हमारी टाइमिंग गलत हो जाती है और 50 चीजें गलत हो जाए, उससे दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों अगर मान लो अभी हम इंपल्स वेव वन को पढ़ेंगे, तो दोस्तों यहां से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट पहले गिरा होगा, मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड यहां पर
आया होगा, तो इस पॉइंट से मार्केट को यहां से रिवर्स करना है। तो दोस्तों वेव वन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हर तरीके से। अगर आपने वेव वन पकड़ ली तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, एक ही ट्रेड आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देके जाएगी आप सोच नहीं सकते। अगर आप पूरी पांच वेव राइड कर लो तो उसके लिए आपको वेव वन को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वेव वन को भी छोड़ देंगे तो वेव वन की करेक्शन के बाद और डैम श्योरिटी हो जाएगी, फिर तो आपको बहुत लंबा प्रॉफिट होने वाला, आप यहां भी एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों इंपल्सिव वेव वन का क्या थीम है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मार्केट गिरा है और हर एक गिरावट के बाद जो मार्केट ऊपर जाएगा आप उसको पुल बैक सोचेंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मार्केट हमेशा गिरावट के बाद एक बेस बनाता है, उसके बाद मार्केट रिकवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें काफी ज्यादा ट्रैप हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं जैसे हमारा ये मार्केट इस पॉइंट तक गिरा, ठीक है, यहां से वेव वन स्टार्ट हुई, तो दोस्तों ये वाली वेव का खत्म होना और इस वेव वन का स्टार्ट होना ये भी एक जरूरी है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वेव तो खत्म हुई होगी और तभी तो यहां से एक वेव स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही क्या है कि भाई देखो यहाँ पे हमारा जब ये वेव टू यहां पर खत्म हो रही है, ये एक एंड पॉइंट है वेव टू का, तो स्टार्ट पॉइंट कौन सी वेव का है, थ्री वेव का है। और ऐसे ही करेक्टिव वेव फोर का यहाँ पर एंड पॉइंट है नंबर फोर, तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो एंडिंग पॉइंट है, तो भाई दूसरी वेव यहाँ वहां से स्टार्ट हो रही होगी, वो कौन सी होगी, वेव फाइव, यहां से हमारी स्टार्ट हो रही है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां पर जो वेव हमारी वेव वन है, मैंने आपको बता दिया कि ये पांच के फॉर्मेशन में चलती है सारी, इंपल्स वेव पांच के फॉर्म में और करेक्टिव दो के फॉर्मेशन, सॉरी तीन के फॉर्मेशन में। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको यहां पर एक चार्ट दिखाता हूं और आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है दोस्तों, एक मिनट। यहां पर आपको एक चार्ट यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, मार्केट ने यहां पर क्या किया, मार्केट ने यहां पर एक फॉल दिखाया, मार्केट ने इस लेवल से मार्केट में एक फॉल दिखाया, ठीक है। और आप यहां पर इजीली देख सकते हैं मार्केट वेव के फॉर्मेशन में, अब मार्केट यहां पर नीचे तक आ गया, अब यहां पर मार्केट ने बेस बनाया और यहां से मार्केट को क्या जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है वेव वन को, ठीक है, अब हमको वेव वन पकड़नी है, यहां पे पकड़नी ही पकड़नी है। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि मार्केट यहां से निकला और यहां तक ऊपर गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्या होगा, वेव वन को आप नहीं पकड़ पाओगे, मोस्ट ऑफ ट्रेडर नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो हर कोई ट्रेडर यही सोचेगा कि भाई कि मैं पुल बैक पे यहां पर सेल करूं, जो पुल बैक आएगा मैं सेल करूं, जो पुल बैक आया उसको मैं सेलिंग में कन्वर्ट करूं। तो ये काफी ज्यादा मैं बताने के लिए मेरे लिए आसान है बट काफी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, मैंने बताया कि मार्केट अपना एक बेस फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बेस फॉर्मेशन यहां पर करेगा। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट गिरा है तो इस पॉइंट तक गिरा है, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक यहां पर दिया है। तो पुल बैक देने के बाद हमको यहां पर करना क्या है दोस्तों, यहां पर हमको क्या करना है, जब मार्केट ने वेव वन बना ली तो यहां पर अगर जो हमारा प्राइस एक्शन है वो क्लियर है तो आप पहचान लोगे कि भाई ये हमारी वेव वन है, बट नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट का इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद इसने करेक्शन दिया 50% का, मतलब इसने स्विंग हाई बना के, हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि आपको फिबोनाची कैसे यहां पर लगाना और कितना रिट्रेसमेंट होगा, तो यहां पर जीरो से हमने टाइप किया और यहां पर इस पॉइंट तक मार्केट ने क्या किया, 50% तक क्या किया इसने, इसको रिट्रेस किया। उसके बाद ये हमारा पॉइंट है रिफ्लेक्स पॉइंट, अब इसको ज्यादा टिपिकल मत होइए रिफ्लेक्स पॉइंट के नाम से, आप इसको यहां पर इसका रेसिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आपको पता है कि भाई मेरे को एंट्री यहां पे नहीं लेनी क्योंकि वेव वन का स्टार्ट है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मार्केट ऊपर गया, जैसे ही उसने अपने रिफ्लेक्स पॉइंट या रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, आपकी ट्रेड बनती है दोस्तों। आपने वेव वन को देख के वेव थ्री में एंट्री ली है, आप ये समझिए आपके लिए तो ये वेव वन है, आपके लिए क्या है, ये वेव वन है, और वेव वन को देख के आपको यहां पर वेव थ्री का पता लगा ये वाला, ठीक है। तो आपको ने बस किया कि आपने वेव वन को ऑब्जर्व किया, उसके रिट्रेसमेंट का वेट किया अप टू 50% लेवल, इवन 100% भी हो सकता था ये रिट्रेसमेंट, 78 तक भी हो सकता था, बट
अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो 50 तक से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बट इस चीज को आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल मत मान लेना, ये कहीं तक भी रिट्रेस हो सकता है। बट हमारा मेन यहाँ पर जो एरिया वो है दोस्तों ये पॉइंट, ये यहां से मार्केट निकला हमारी एंट्री बनी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस यहाँ पे 50% के नीचे, या हमारा अगर आप बहुत ज्यादा रिस्कियर ट्रेडर है तो आपकी जो वेव स्टार्ट हुई उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आपको यहां पर समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको निकाल लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पे आपको वेव वन का पता लगा, मैंने आपको बताया वेव वन इंपॉर्टेंट है, बट वो वेव थ्री के जो आपका वेव थ्री का जो राइड है उसको राइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अब एक यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है, वेव इसी के बारे में, वेव एक चार्ट और हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने फॉल किया इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक फॉल किया, उसके बाद मार्केट हमारा ये इस पॉइंट तक यहां पर गया, उसके बाद मार्केट हमारा नंबर टू तक रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट हमारा पुलबैक देता थ्री, वेव थ्री, फिर एक और फॉल और फिर वेव फाइव, ठीक है। आपने यहां पर देखा हमारा पूरा वेव कंप्लीट यहां पर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या रहा? इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों हमारे रिट्रेसमेंट लेवल, पहले ये रहा, ठीक है। मार्केट कहां तक रिट्रेस किया? 50% तक रिट्रेसमेंट। दोस्तों मैंने आपको बताया था हर वेव पांच की फॉर्मेशन में चलती है, ये हमारा टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको जैसे अगर मान लो वन डे का चार्ट, अगर आप उसको टाइम फ्रेम कम करोगे, आवरली करोगे, 30 मिनट करोगे, तब क्या होगा? यहां पर आपका जो वेव जो मैंने आपको बताया ना कि भाई पांच के फॉर्मेशन में चलती है, वो आपको इंपल्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको एलोबरेट करोगे ठीक से, अगर इसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पांच वेव 100% यहां पर हर मूव में यहां पर आपको मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वेव वन, अब दोस्तों एक पते की बात ये भी है दोस्तों, जो हमारी इंपल्स हैं वेव वन, वेव थ्री और वेव फाइव, इसमें से एक वेव ऐसी होगी जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म बनाएगी, मतलब यहाँ पर एक वेव कोई सी ना कोई सी यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट देगी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी वेव हमारी सबसे बड़ा मूवमेंट देगी, तो वेव थ्री के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपको सबसे बड़ा यहाँ पर राइड देने की, वेव थ्री, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहली वेव तो आपको बड़ा मूव नहीं देगी क्योंकि भाई डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट रिकवर कर रहा है, तो पहली बार में तो नहीं जाएगा, वी शेप रिकवरी तो नहीं आएगी, तो चांसेस होता है कि भाई हमारी वेव थ्री बहुत बड़ा मूवमेंट देती है, एक्सटेंडेड वेव होगी वेव थ्री। तो यहां पर आप जब वेव थ्री स्टार्ट होगी तो आप यहां पर हमेशा बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए निकलोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वेव थ्री का टारगेट आप कैसे सेट कर सकते हो, इसके लिए मैंने चलते हम दोबारा से ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। तो यहां पे आपको करना क्या है, हमारा ये होगी हमारी वेव, वेव थ्योरी रूल्स मैंने आपको उसमें बताए थे। तो दोस्तों आपको सीधा करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेना है ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप 0 से 1 का यहां पर वो लोगे तो यहां पर जो एक्सटेंशन आ रहा वो आ रहा 161, तो मोस्ट ऑफ ये जो हमारी वेव थ्री है कौन सी 2 से लेकर 3, ये आपको 200 या 261 तक का भी टारगेट दे सकती है। बट हमारा पहला टारगेट क्या होता है 161 का होता है, मतलब 161 तक मार्केट हमारा हमको वेव थ्री का टारगेट मिलेगा। अगर वेव थ्री बड़ी नहीं हो पाई, मतलब छोटी रह गई, तो भाई फिर वेव फोर बड़ी होगी, ठीक है ना। वेव फाइव फिर यहां पर बड़ी होने वाली है। अगर वेव थ्री यहां पर आपको बड़ा टारगेट नहीं दे पाई बाई चांस, तो वेव थ्री देगी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना कि वेव थ्री आपको यहां पर बड़ा टारगेट देने में सक्षम होती है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो चीजों को, ठीक है ना। तो ये जो वेव थ्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाती है। फिर हमारी बात आती है वेव फाइव की, इंपल्सिव वेव फाइव की। दोस्तों यहां पर ये एक बहुत ज्यादा क्रूशियल वेव हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा ट्रेंड खत्म हो रहा है,
वेव 4 से लेके वेव 5 पे हमारा ट्रेंड हो रहा है खत्म, तो मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, नीचे की तरफ मार्केट हमारा जा सकता है इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको अगर एक वेव बड़ी मिल चुकी है, मतलब मान लो वेव 3 बड़ी मिल गई है, वेव 3 में बड़ा टारगेट मिल गया है आपको, तो फिर आप अपना वेव 5 का टारगेट आप ज्यादा बड़ा नहीं रखोगे। अगर वेव 3 छोटी, गाइस सॉरी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मान लो वेव 3 ज्यादा बड़ी हो चुकी है, वेव 3 ने एक्सटेंडेड फॉर्म दे दिया है, अपना पूरा टारगेट दे दिया है, ठीक है ना, तब उसके बाद क्या होगा, 200 या 161 तक हो चुका है, मतलब वेव 1 के कंपैरिजन में ये वेव 3 हमारी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो चुकी है, एक्सटेंडेड हो चुकी है, तो अब हमको वेव 5 का जो टारगेट है उसको छोटा रखना है, छोटा हमको टारगेट रखना पड़ेगा वेव 5 का। दोस्तों अगर वेव 3 छोटी है तो फिर हम वेव 5 का टारगेट लंबा रख सकते हैं, बट अगर वेव 3 हमारी एक्सटेंडेड हो चुकी है तो हमको टारगेट यहां पर वेव 5 का छोटा रखना है। अब वेव 5 का टारगेट हम छोटा कैसे रखेंगे, दोस्तों आपको करना यहां पर कुछ नहीं है, आपको सीधा यहां पर प्राइस रेंज में जाना है और 0 से लेके 1 तक का यहां पर आपको देखना है कि भाई एक मिनट यहाँ पे, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको 0 से लेके जो 1 था आपको कुछ नहीं करना, इसको आप डिलीट कर दीजिए पहले, तो ठीक है, आप जाइए फिबोनैकी में 0 से लीजिए और 1 वेव 1 है जो हमारी, ठीक है, वेव वन के पास आप जाइए, या वेव 1 के पास नहीं, सॉरी वेव 1 नहीं, वेव 3 तक आप अपना रिट्रेसमेंट लगाइए दोस्तों, ठीक है, आपने क्या लगाया फिबोनैकी का 0 से लेके 3 तक का रिट्रेसमेंट आपने लगाया, और फिर देखिए 38 पॉइंट लेवल या 50 लेवल तक हमारा प्राइस रेंज कितना बैठ रहा है, तो यहां पर आप चीज लगाइए प्राइस रेंज, और यहां पर देखिए मार्केट कितना रिट्रेस हुआ है, मतलब 38 पॉइंट तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां से इस पॉइंट तक, ठीक है, 38 पॉइंट तक आप लगाइए और सीधा फिर उस प्राइस रेंज को उठाइए और यहाँ पे जहां से रिवर्स हो रहा वहां पे आप लगा दीजिए, तो आपको पॉसिबल टारगेट मिल जाएगा वेव 5 का, ठीक है, वेव 5 का आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, पॉसिबल टारगेट मैं आपको फिर बता दूं, 0 से लेके वेव 3 के जो टॉप है उस तक अपना फिबोनैसी लगाइए, 38 पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट जहां तक हो रहा हो, कहां तक हो रहा है यहां तक, ये प्राइस रेंज चुनिए 0 से ऊपर तक और फिर इसको प्लेस कर दीजिए जहां से वेव 4 का रिवर्सल हो रहा है, तो ये आपको बिल्कुल एक एग्जैक्ट टारगेट दे देगा वेव 5 का। इसको आपको ज्यादा लंबा नहीं रखना क्योंकि इसके बाद मार्केट में करेक्शन आएगा, तो आपको बहुत कंजर्वेटिव रहना है, क्योंकि अगर आपकी वेव 3 एक्सटेंड नहीं हुई, एक्सटेंड हो गई है, बड़ी हो गई है, तो वेव 5 का टारगेट आपको छोटा यहां पर रखना पड़ेगा, और वेव 3 अगर छोटी है ज्यादा लंबी नहीं, तो फिर आप वेव 5 का टारगेट वैसे भी बड़ा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंपल्स वेव यहां पर हमने आपको बताया आज के वीडियो में। अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के होने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चैप्टर्स को ना छोड़ें दोस्तों, बहुत ज्यादा शुरू के 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जो पढ़ेंगे इंपल्स वेव के थोड़े स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको चार्ट की मदद से हम यहाँ पर इंपल्स वेव के बिल्कुल अलग अलग क्राइटेरिया आपको समझाने वाले हैं कि भाई अभी, क्योंकि आपको ये चीजें इजी लग रही होंगी, क्योंकि अभी बस मैं केवल इसको एक थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, मैं आपको अभी लाइव चार्ट पे लेके नहीं गया हूँ, ठीक है, जब मैं चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई इतना भी आसान नहीं है समझना, बट आपको एक क्लियर कट पिक्चर तो आपको पता लग ही रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।